Good morning, Namaskar. Dear students, I'm here to inform you about PT1 exams. आपके periodic test बहुत जल्द होने वाले हैं. उसका date sheet और syllabus हम आपको WhatsApp group में दे देंगे. बच्चों, online classes में teachers आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, है ना? क्योंकि टीचर्स आपको बुक से रीडिंग करवा के एक्सप्लेनेशन देकर सारा डिटेल समझाते हैं, वो आप समझकर और जो नोट्स आपको व्हाट्सएप में दिए जाते हैं वो फेयर कॉपी में लिखना है. बच्चों देखिए, अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चालू हो रही हैं, तो हमारे पास सलूशन तो यही है कि आप यदि कुछ समय के लिए, एक घंटे दो घंटे के लिए डाउट पूछने स्कूल आए, अपने टीचर से समय लेकर कॉपी चेक करवाएं तो अच्छा होगा. क्योंकि मैथ्स, साइंस ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में डिफिकल्टीज आ रही हैं. सारे बच्चों को हम ये बताना चाहेंगे, PT1 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी टीचर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन क्या आपका कवर हुआ है? हमारा कहने का मतलब है कि आप खुद से उसको रीड करें, खुद से उसको समझें और मैथ्स की प्रैक्टिस करें. बेटा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. टीचर्स तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन वो टीचर का आपको समझ में आया कि नहीं आया ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा. और हिंदी, मराठी, इंग्लिश बुक रीडिंग करो, एक एक लाइन आप रीड करो. रीड करते समय हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग आप टीचर से पूछो. देखो बेटा, यदि आप बार बार टीचर से कांटेक्ट करते हो, स्कूल में एटलीस्ट वीक में एक बार दो बार आकर टीचर से कंसल्ट करते हो, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास का सिलेबस थॉरोली आपको ब्रेन में आना चाहिए. आपको समझने के लिए खुद से पढ़ाई करनी होगी. यदि आप सोच रहे हैं कि टीचर्स का पढ़ाया आपके दिमाग में डायरेक्ट चला गया, अब हमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा. आपके PT1 के एग्जाम्स जो होंगे उसमें खुद से लर्न करके, खुद से तैयारी करके लिखना पड़ेगा आपको. तो क्या आप लर्न कर रहे हो? लर्न करके आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है? जितना भी सिलेबस, दो लेसन, तीन लेसन, वो लेसन आपने फेयर कॉपीज में लिख लिया है? टीचर की साइन हो चुकी है? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो जल्द से जल्द आप फेयर कॉपीज कंप्लीट करके टीचर का साइन लेकर लर्न करना स्टार्ट कर दो. अभी आप लोग जानते हैं ना, 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड इसी मंथ एग्जाम स्टार्ट हो रही है, और आपकी भी एग्जाम जल्द होगी. सारी क्लासेस की फर्स्ट PT1 एग्जाम जल्द ही होने वाली है, इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, हमसे, स्कूल से कांटेक्ट में रहिए. और हमारा सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को आप मोटिवेट करें एक डेली रूटीन तैयार करने का. सुबह कितने बजे जगना है, उनको कितने देर ऑनलाइन क्लासेस के लिए समय लगता है, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी उनका एक रूटीन तैयार होना चाहिए. एक्सरसाइज रोज करें और गेम भी खेलें. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डोर के अंदर, केवल घर के अंदर बंद रहकर आप अपनी पढ़ाई करें और अपना गेम खेलें. नहीं, कुछ समय के लिए घर से बाहर अपने बड़ों के सामने कुछ खेलें और थोड़ी देर बाहर भी निकलें, और पेरेंट्स के साथ आप कुछ समय के लिए स्कूल आएं,
वीक में एटलीस्ट 2 दिन आप डाउट सेशन के लिए अपने टीचर से समय लेकर स्कूल आ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए ये हमारी टिप्स है कि आपको खुद से खुद की तैयारी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस आपको करना है ना। सो बेस्ट विशेस फॉर द डे। थैंक यू।